नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन कारोबार में। दोस्तों आज मैं ओके लाइफ केयर प्लान को यहाँ पर पूरी गहराई से आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर बिजनेस मेंटेन करने पर भी अर्निंग होती है और लो कॉस्ट और अच्छी कंपेटिटिव क्वालिटी के प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर के हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे प्रोत्साहित करती है कि इसका वीडियो अपलोड करना चाहिए, 67.5% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों तीन चीज़ों ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि इसका प्लान मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो दोस्तों इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 67.5% मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम पर सारा वर्कआउट होता है, यानी कि टोटल बिजनेस जितना कंपनी में आता है उससे निकलता है एक्टिव बोनस। और एक्टिव बोनस डिपेंड करता है 2500 की मैचिंग या 5000 के बिजनेस पर। तो इस तरह से एक एक्टिव बिजनेस पॉइंट आपका हो जाता है जब आप 2500 की बिजनेस मैचिंग कराते हो। तो दोस्तों इस तरह से बात करें यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट, तो एमआरपी यानी जो कि उसका मूल्य छपा हुआ है जो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस है उससे माइनस कर देते हैं, तो ये आपका रिटेल प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट होता है। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की कि किस तरह से 67.5% यहाँ पर पूरे कंपनी के टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक्टिव बोनस में यहाँ पर 30% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कंसिस्टेंसी बोनस में 10%। ये सारी आपकी इनकम है आगे प्लान में, सब आप समझने वाले हो। और कार फंड की बात करें, उसके बाद हाउस फंड की बात करें 5%। और इस तरह से यहाँ पर टोटल 67.5% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगली बात आती है कि अनलिमिटेड डायरेक्ट अगर आप लगा देते हो तो वो यहाँ पर ऑटो स्पीड होते हैं। तो दो बाइनरी है, हालांकि साथ ही साथ जनरेशन भी ये है। और यहां पर 10% आपको मिलता है डायरेक्ट का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके बिजनेस प्लान की बारीकी से। आप ध्यान से पूरी पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ओके लाइफ केयर की। ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान को शुरू करने से पहले ये आवश्यक है कि हम इसके फाउंडर के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें, क्योंकि ओके लाइफ केयर के फाउंडर की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दो नाम उठकर आते हैं, जोगिंदर दलाल और दिनेश सहारन। जोगिंदर दलाल जहाँ पर बिजनेस माइंड हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी खासी यहाँ पर बिजनेस ओनरशिप रखते हैं, काफ़ी वीडियोस और साथ ही साथ यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज, और बात करें यहाँ पर होटल्स की, और बात करें यहाँ पर कई सारी इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिनको जोगिंदर सिंह ओन करते हैं। और साथ ही साथ दिनेश सहारन हैं एक अच्छे खासे नेटवर्कर, यानी कि ये नेटवर्किंग माइंड और बिजनेस माइंड जब एक साथ मिल जाता है तो बिजनेस का वॉल्यूम क्या हो सकता है ये आप अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्कर माइंड वो सब कुछ समझता है कि लीडर्स की क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या लीडर्स की साइकोलॉजी है, वो सारी रीड नेटवर्कर करता है। वहीं बिजनेस माइंड के पास पावर रहता है कि कितना इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना है ये सारी चीज़ें नेटवर्कर माइंड ही बेहतरीन तरीके से समझता है। तो इन दोनों के गठबंधन से एक बेहतरीन कंपनी ओके लाइफ केयर मार्केट में रन कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और नाम आता है सरिता करवासरा का। तो सरिता करवासा यहाँ पर सेकंड डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से दो कंपनी के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ दिनेश सहारन यहाँ पर सीईओ हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये कंपनी त्रिगुट बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ओके लाइफ केयर के फैलाव की बात अगर हम करें तो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइफ केयर, यानी कि ये बहुत लाइफ केयर के प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रही है और लाइफ प्रोडक्ट के ही यहाँ पर लाइफ केयर के प्रोडक्ट ही मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ये
लॉन्च कर रही है। और इसका जो रिसेंट की बात करूं, रिसेंटली प्रोबायोटिक टूथपेस्ट भी इसका मार्केट में आया हुआ है। तो प्रोबायोटिक सेक्टर में काम करने का भी एक अचीवमेंट ओके लाइफ केयर के पीछे जुड़ जाता है। प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरियाज हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये इस तरह के बैक्टीरियाज कल्चर को भी बढ़ावा देती है। इसके अपने R&D सेंटर्स हैं, तो अपने R&D सेंटर्स वो भी 2 R&D सेंटर इसके ऑलरेडी हैं और 16 R&D सेंटर इसके फ्यूचर में इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल अगर मैं सम करूँ इस कंपनी की प्रोफाइल को, तो हम एक एक्सीलेंट कंपनी प्रोफाइल इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की बात मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। वो लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके सारे प्रोडक्ट्स आप ज़रूर देखिए अगर आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो सकती है अगर आप यहाँ पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ओके लाइफ केयर के पूरे प्लान को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ओके लाइफ केयर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं सबसे पहले करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर 67.5% कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कंपनी के टर्नओवर का 67.5% डिस्ट्रीब्यूट करती है ओके लाइफ केयर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की और कंपनी के प्लान की। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनकम, तो कुल 7 प्रकार की इनकम यहाँ पर हैं। 7 प्रकार की इनकम में से अगर हम रिटेल और फ्लेक्सिप बोनस को छोड़ दें, क्योंकि इनका नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, रिटेल प्रॉफिट को मैं अलग से और फ्लेक्सिप बोनस को अलग से हटा दूं, तो कुल 5 प्रकार की इनकम यहाँ पर कंपनी देती है। यानी कि ये 5ों प्रकार की इनकम आपको 67.5% डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो किस तरह से हो रही है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट की। तो दोस्तों जो रिटेल प्रॉफिट है, रिटेल प्रॉफिट जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि रिटेल प्रॉफिट यानी कि कंपनी से आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसको MRP में सेल करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइस है उसका MRP से अगर हम माइनस कर दें, तो वो आपका रिटेल प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। अगर सपोज के लिए आपने कोई भी एक आइटम कंपनी से लिया है 100 रुपये का, और उसको आप सेल कर रहे हैं 130 में, तो 30 रुपये का यहाँ पर सीधे आपको रिटेल प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से जितने भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उसका 30% आपको यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से रिटेल प्रॉफिट यहाँ पर वर्क करता है। तो रिटेल प्रॉफिट की बात हम छोड़ दें तो कंपनी के जो रियल प्रॉफिट है, तो एक्टिव बोनस से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। एक्टिव बोनस यानी कि कंपनी एक्टिव बोनस किस तरह से डिसाइड करती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्टिव बोनस में, जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी के टर्नओवर का 30%, यानी कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा बिजनेस वॉल्यूम का, उसका 30% यहाँ पर एक्टिव बोनस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कंपनी ने बहुत सही तरीके से PDF में दिया हुआ है, अगर टीम ए और टीम बी यहाँ पर आप 2500 की मेंटेन करते हैं, यानी 2500 में एक एक्टिव बोनस पॉइंट काउंट होता है, 2500 की अगर आप लेफ्ट राइट मैचिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बाइनरी प्लान है, लेकिन बाइनरी के साथ ही साथ जनरेशन प्लान भी है, क्योंकि फ्लेक्सी बोनस में उसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जनरेशन प्लान भी ये है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधे बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 30% यहाँ पर कंपनी सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी कि टोटल कंपनी के टर्नओवर का। उदाहरण के लिए यहाँ पर टोटल वॉल्यूम अगर 247000 की बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर कंपनी की है, और पूरे कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का जो कलेक्शन है, कुल एक्टिव बोनस पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करेंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक्टिव बोनस पॉइंट कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन का यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा एक्टिव बोनस से। तो इस तरह से एक्टिव बोनस हो गया यहाँ पर 30% से अगर हम कैलकुलेट करें तो
000 और एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू की बात हम करें तो 228 यहाँ पर एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो इस तरह से एक्टिव बोनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की बात हम करेंगे, यानी कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास 4 एक्टिव बोनस पॉइंट हैं, 4 एक्टिव बोनस पॉइंट होने का मतलब उसने 10,000 का बिजनेस मैच कराया है। तो 10,000 का बिजनेस अगर आप मैच कराएंगे तो यहाँ पर आपको 4 एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से 2,500 में एक, तो 10,000 में आपको 4 बिजनेस पॉइंट मिल गए। तो इस तरह से 912 रुपये आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन मैं आपको बता दूँ कि ये हर मंथली कैलकुलेट होता है, यानी मंथली आपको ये मिलता है, 10th डे ऑफ एवरी मंथ आपको पे आउट रिसीव होता है। और इसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो 1,20,000 कंपनी ने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी रखी हुई है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी बोनस की। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि उस बिजनेस को आप मेंटेन करिए, आप उस बिजनेस को 3 महीने तक मेंटेन करिए। अगर आप उस बिजनेस को 3 महीने तक मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपको कंसिस्टेंसी बोनस भी देते हैं। यानी कंसिस्टेंसी बोनस में यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 10% का। तो 30% एक्टिव बोनस में और 10% कंसिस्टेंसी में। तो इस तरह से 40% का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। कुल 67.5% का यहाँ पर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंसिस्टेंसी बोनस अगर आप 3 महीने उस वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, सपोज अगर 2,500 का भी यहाँ पर आप 3 महीने के लिए मेंटेन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 1 पॉइंट होता है। वहीं अगर आप 10,000 का बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं 3 महीने के लिए तो आपका कुल 4 एक्टिव बिजनेस पॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूला बिल्कुल वही है, यानी कि टोटल बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर ऑफ कंपनी जो भी है उसका 10% यहाँ पर आपका कंसिस्टेंसी बोनस में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो 10% डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सारे जितने भी कंपनी के लीडर्स, जितने भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर कुल CBP लेकर आए हैं, यानी कंसिस्टेंसी बिजनेस पॉइंट टोटल जितने लीडर्स के कलेक्ट हुए हैं उस टोटल कलेक्शन से यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 100 आई है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 4 एक्टिव बोनस थे, यानी कि पहले महीने में आपने 10,000 का बिजनेस दिया और उस बिजनेस को आप 3 महीने तक कैरी फॉरवर्ड कर ले गए, यानी 3 महीने तक आपने उस बिजनेस को मेंटेन रखा उसी 10,000 का, तो यहाँ पर 4 बिजनेस पॉइंट आपके शुरू में हो गए थे, वही बिजनेस पॉइंट आपके मेंटेन रहे, तो बिजनेस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर वही 4 रहेगी, यानी कि CBP यहाँ पर 4 ही है। तो इस तरह से यहाँ पर 400 रुपीज़ आप एक्टिव बोनस पॉइंट को ही आगे मेंटेन करते हैं, यानी कि जो आपने उस मंथ में अचीव किया 20 पॉइंट आपके हो गए तो उसको आपने मेंटेन कर दिया नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओके लाइफ केयर का जो प्लान है वो 3 महीने मेंटेन करने के बाद एक और इनकम प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर भी आपने 3 महीने जैसी इसको मेंटेन कर दिया, तो 3 महीने आप इसको पूरी तरह से मेंटेन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कार फंड। तो कार फंड का जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 7.5% ऑफ टोटल बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी कि पूरी कंपनी के टर्नओवर का 7.5% यहाँ पर आपको कार फंड के रूप में भी अचीव होता है। तो दोस्तों इस तरह से कार फंड की बात हम अगर करें तो यहाँ पर 7.5% ऑफ कंपनीज टोटल VV टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल CFP कलेक्टेड इन अ मंथ, यानी कि 1 महीने में आपने जो भी पॉइंट कलेक्ट किए हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कार फंड भी कंपनी देती है। तो दोस्तों आपने अगर वो बिजनेस 3 महीने तक यहाँ पर मेंटेन कर दिया तो यहाँ पर आपको कार फंड भी इस तरह से कंपनी एक और इनकम के रूप में देगी। तो दोस्तों यहाँ पर कार फंड का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ कि 7.5% कंपनी के टोटल टर्नओवर का कार फंड में आपको आपके बिजनेस पॉइंट के अचीवमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट
हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक और इनकम आपकी नेक्स्ट इनकम है हाउस फंड इनकम। हाउस फंड इनकम की बात अगर हम करें तो दोस्तों हाउस फंड इनकम में यहाँ पर आपको 5% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी 5% ऑफ टोटल बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर जो भी कंपनी का होता है वो आपको हाउस फंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट को 6 महीने तक कैरी ऑन करना है, यानी कि 20 का वॉल्यूम का आपने बिजनेस 1 मंथ में दिया था उसको आप 3 मंथ तक कैरी कर ले गए और उसके बाद 3 और मंथ तक उसको आप कैरी कर ले गए, यानी कुल 6 मंथ तक आप उस बिजनेस को कैरी कर ले गए। तो अगर आप उस बिजनेस को 6 महीने तक कैरी कर ले जाते हैं जो आपने कार फंड अचीव करने के लिए या सुपर एक्टिव बोनस के लिए किया था, तो वो एफर्ट आप 6 महीने तक मेंटेन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों हाउस फंड भी मिल जाता है। तो हाउस फंड की वैल्यू 5% टोटल कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एक और इनकम आप बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं हाउस फंड के रूप में। एक हाउस फंड पॉइंट की बात अगर हम करें तो एक एसेबी पॉइंट यहाँ पर होता है। तो दोस्तों इस तरह से कंपनी का एक और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको अचीव होता है फ्रॉम द 7th ऑफ मंथ। तो यहाँ पर हाउस फंड का जो पेमेंट होता है वो 7 तारीख के बाद होता है। तो 7 तारीख से कैलकुलेट किया जाता है कि आपने उसको कितना मेंटेन किया। तो इस तरह से आपको 6 महीने के लिए बिजनेस मेंटेन करने पर एक और इनकम कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट उसके बाद है फ्लैगशिप बोनस। तो फ्लैगशिप बोनस को मैंने उससे अलग रखा हुआ था, क्यों? क्योंकि फ्लैगशिप बोनस और रिटेल ये दो कंपनी जो प्रोवाइड करा रही है, ये प्रोवाइड करा रही है आपके वर्क पर, यानी कि आप जो आगे वर्क करते हैं वहीं से, ये कंपनी के टोटल टर्नओवर का आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कंपनी के टोटल टर्नओवर की बात हम अगर करें तो केवल 5 इनकम यहाँ पर बोनस आपको का जो मिल। स्ट्रक्चर कंपनी का है, फ्लेक्सिब बोनस का स्ट्रक्चर कंपनी का आपके डायरेक्ट रेफरल की इनकम अचीव करने के लिए ही बना हुआ है, यानी कि आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफरल करते जाते हैं तो इससे कंपनी में क्या है कि डायरेक्ट रेफरल के लिए भी आपको प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर आपको जितने ज़्यादा आप डायरेक्ट रेफरल लगाएंगे उसका 10% सीधे आपको मिलेगा, यानी कि जितना भी उनका बिजनेस नीचे जाएगा उसका 10% सीधे आपको फ्लैट आएगा, यानी कि जिस वॉल्यूम का भी वो बिजनेस नीचे करेंगे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का 10% आपको आएगा। सपोज आपने 10 लोगों को डायरेक्ट किया और 10 लोगों में से 2 लोगों ने 2-2 हज़ार का बिजनेस नीचे कर दिया या 2-2.5 हज़ार का बिजनेस नीचे कर दिया, यानी 5,000 का बिजनेस उन्होंने नीचे दे दिया, तो 5,000 का 10% यानी कि 500 रुपया सीधे सीधे आपके अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से ये 10% आपका डिसाइड होते जाएगा, जितना भी आप डायरेक्ट लगाते जाएंगे उसका 10% सीधे सीधे आपको फ्लेक्सी बोनस के रूप में आते जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात यह आती है कि अगर आपने डायरेक्ट किया और उन्होंने भी नीचे डायरेक्ट कर किए, बहुत से लोगों को उन्होंने भी डायरेक्ट कर दिए, तो उसका उनको क्या मिलेगा? तो उनको भी उसका 10% ही मिलेगा। तो इस तरह से 10-10% का डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा ओवरऑल फ्लेक्सिबल बोनस के रूप में होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम इस पूरे प्लान की चर्चा करें तो यहाँ पर ओके लाइफ केयर का प्लान बहुत सॉलिड, सिंपल और बिल्कुल एक सीक्वेंस में, सिस्टमेटिक वे में वर्क कर रहा है, यानी कि आपको प्लान समझने के लिए दोबारा वीडियो को बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का प्लान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत न समझाने वाले को है न यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट समझने वाले को है। बस समझने वाली बात केवल यहाँ पर ये है कि आप बिजनेस डालिए, बिजनेस डालने के बाद उसे 3 महीने तक आप मेंटेन करिए। 3 महीने तक मेंटेन करने में आप अगर सक्सेस हो जाते हैं अपने बिजनेस को तो ओके लाइफ केयर यहाँ पर बहुत अच्छी खासी अर्निंग दे रहा है। तो दोस्तों बात आती है प्लान के बाद, प्लान तो जो भी है, प्लान की चर्चा तो हम कर चुके हैं पूरी तरह से, आशा है आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा। और इसके अलावा भी कोई अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। और उसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल
दे दूंगा आपको। हाँ, इतना आपसे रिकमेंड जरूर करूंगा कि एक बार ओके लाइफ केयर की साइट आप जरूर विजिट करें, ताकि आपको जो प्रोडक्ट का इसेंस है, इसेंस ऑफ प्रोडक्ट आपको तभी मिलता है जब आप उसकी साइट में विजिट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में भी ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद की जो वीडियो है, इस वीडियो के नेक्स्ट ओके लाइफ केयर के कुछ कुछ प्रोडक्ट, चुनिंदा प्रोडक्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मेन बात यहाँ पर आती है ओके लाइफ केयर के सक्सेस की, तो ओके लाइफ केयर के सक्सेस के पीछे क्या है, तो ओके लाइफ केयर के सक्सेस के पीछे अगर आप अपनी अंतर्दृष्टि दौड़ाएंगे, मैं कोई इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नेट में सर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंतर्दृष्टि अगर आप दौड़ाएंगे, तो पहली बात तो यह है कि इसने इंडियन मेंटेलिटी को पकड़ा हुआ है, यानी कि इंडियन कल्चर का जो थिंकिंग होता है, इंडियन कल्चर का जो नीड होता है, उसको ओके लाइफ केयर ने पूरी अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है। यानी कि ये क्या करते हैं, जिस तरह से ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट हैं, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट, जो प्रोबायोटिक टूथपेस्ट की बात मैंने प्लान में आपसे की होगी, तो इस तरह के प्रोडक्ट क्या है, एडवांस प्रोडक्ट हैं। एडवांस प्रोडक्ट जब मार्केट में आते हैं तो लोगों की मेंटालिटी ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्टेड होती है, क्योंकि ये समय प्रभाव का है। एक टाइम था जब आदर्श स्थापित किए जाते थे, यानी आदर्शों से लोग उनको फॉलो करते थे। तो वही बात, कंज्यूमर कोई मनुष्य ही तो है, हम ही तो कंज्यूमर हैं, आप ही कंज्यूमर हैं, मार्केट कोई अलग से आके तो बना रहा है नहीं, आप भी कंज्यूमर हैं। आपकी जो मेंटेलिटी है वो मेरी मेंटेलिटी है, आपकी मेंटेलिटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ मायनों में अलग हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल बिजनेस की बात अगर हम करते हैं, पूरे बिजनेस की बात अगर हम करते हैं, तो बिजनेस में जो एक लाइकिंग होती है, लाइकिंग एक मास की होती है, पूरे मास की लाइकिंग पर फोकस किया जाता है। तो पूरे मास की लाइकिंग ये रहती है कि वही दाम में अगर उसको कोई चीज़ मिलती है और उसी दाम में वो चीज़ मिल रही है उसको एडवांस फीचर के साथ, और वो उसका प्राइस भी रीजनेबल है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, उसको बाय करना ऑब्वियस सी बात है कि चाहेंगे लोग ऐसे प्रोडक्ट को बाय करना जो प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत इजी अवेलेबल हो जाए, जिसका दाम भी कम हो और उसका जो फीचर हो वो एडवांस हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि R&D सेंटर इसके अपने हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी अच्छी आती है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ केयर कि जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट में कुछ विशेष इस तरह का होगा या इतनी ज़्यादा छूट दे दी गई होगी कि लोग इसको ले रहे हैं और ओके लाइफ केयर का बिजनेस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात यहाँ पर ये है कि इसके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उस प्रोडक्ट में ये कुछ ना कुछ साइकोलॉजी को रीड करते हुए, पूरे ओवरऑल मास की साइकोलॉजी को रीड करते हुए प्रोडक्ट को मार्केट में ले आता है, तो जिससे लोगों की दिलचस्पी उन फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरह से एक प्रभाव पैदा करने का जो सिस्टम है वो ओके लाइफ केयर ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, ये हम कह सकते हैं। फैलाव और विस्तार की बात तो इसकी अपनी है ही है, तो इसके अलावा अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो ओके लाइफ केयर के फाउंडर्स का जो योगदान है वो तो इनके बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में है ही है, लेकिन साथ ही साथ मेन जो बात यहाँ पर आ रही है सेटिस्फेक्शन की, तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट दे रहा है, सेटिस्फेक्शन यहाँ पर लोगों का मिनिमम अमाउंट में प्रोडक्ट को ले लेना और प्रोडक्ट की क्वालिटी, और साथ ही साथ लोगों का इसकी तरफ ओके लाइफ केयर की तरफ एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में इस पूरे ओके लाइफ केयर बिजनेस को देखना भी इसकी सक्सेस के पीछे एक रीजन बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये है ओके लाइफ केयर का प्लान, आशा है आप लोगों ने पसंद किया होगा, और इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी अगर होती है तो आप animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you?
I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true, so I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true, so I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.
Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true, so I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.